हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेबी गाइडलाइन फॉर इशू ईशू ऑफ डिबेंचर्स यानी कि सेबी जो है उसने क्या गाइडलाइंस तैयार कर रखी है जिसको फॉलो करना पड़ता है कंपनीज़ को किस चीज़ के लिए इशू ऑफ डिबेंचर अगर उन्होंने डिबेंचर इशू करने हैं तब तो चलिए स्टूडेंट्स देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लिए ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ये देखिए फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड ऑफ फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर कैन नॉट एक्सीड थर्टी सिक्स मंथ जो फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं उनका जो कन्वर्जन पीरियड है वो थर्टी सिक्स मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए आई ई कन्वर्टिबल डिचर शुड बी कन्वर्टेड इन टू शेयर्स न्यू डिवेंचर्स विद इन थ्री ईयर्स ऑफ इशू थ्री ईयर्स मीन्स थर्टी सिक्स मंथ जो कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं वो शेयर में या फिर नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं ठीक है आगे थर्ड यानी तीन साल की मेन uh, एक एक जो हमारा फर्स्ट उसका जो से भी गाइडलाइन हो गई वो हो गई कन्वर्टिबल डिवेंचर थर्टी सिक्स मंथ या थ्री साल तक के लिए कन्वर्टेबल हो जाने चाहिए इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए Second, credit rating for credit rating agency.

क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपके डिबेंचर्स के रिगार्डिंग क्या यानी आपका डिबेंचर यानी आपकी क्रेडिट है जो क्रेडिट रेटिंग है उसको क्या रेट दिया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने वो आपके प्रोस्पेक्टस में मैंशन जरूर होना चाहिए ठीक है थर्ड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन कन्वर्जन एंड Period of redemption or conversion must be pre decided and it must be disclosed in the prospectus. Ki रिडम्पशन करेंगे तो उस पर क्या प्रीमियम होगा उसका अमाउंट कन्वर्जन करवाएंगे तो उसका क्या प्रीमियम होगा उसका अमाउंट और रिडम्पशन और कन्वर्जन करवाना जो है वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए और वो प्रोस्पेक्टस में जरूर लिखा होना चाहिए ठीक है ये से भी गाइडलाइन को फॉलो करना है हर कंपनी को जो इसके अंदर लिखा हुआ है ठीक है फोर्थ केस ऑफ इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर विद मेच्योरिटी ऑफ मोर देन एटीन मंथ्स डिबेंचर रिडम्पशन रिवर्स मस्ट बी क्रिएटेड देखिए अगर इन केस ऑफ़ इशू ऑफ़ नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर अगर आप इशू करते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर को विद मेचोरटी ऑफ मोर देन 18 मंथ जिसकी मेचोरटी है 18 मंथ से ज़्यादा तक की मोर देन 18 मंथस है ना ए डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व तो आपको उसके लिए डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व जरूर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जब वो रिडीम होंगे तो आप उस रिज़र्व में से निकाल कर पैसा आप वो पेमेंट कर सकते हो रिडीम के दौरान ठीक है तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जरूर आपको बनाना पड़ेगा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के केस में क्योंकि कन्वर्टिबल डिबेंचर तो आपके शेयर में और न्यू डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाएंगे बट अगर वो नॉन कन्वर्टिबल हैं तो वो रिडीम होंगे आगे जाके तो उस रिडीम करने के लिए आपको एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से उसमें से पैसा डालना पड़ेगा वो रिजर्व में से जब भी रिडीम का टाइम आएगा तो उस रिजर्व में से निकालकर आप पैसे दे सकते हो ठीक है अपना तो लोन चुका सकते हो कंपनी कंपनी के लिए ये बिहाफ में फिफ्थ इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन एटीन मंथ्स अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी इज मस्ट अगर आप कोई डिबेंचर ऐसे इशू कर रहे हो जिसका मेच्योरिटी पीरियड एटीन मंथ से ज्यादा है तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी जो डिबेंचर ट्रस्टी है उसकी अपॉइंटमेंट जरूरी है मस्ट है एंड द नेम ऑफ द ट्रस्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद से

डिवेंचर होल्डर हैं कंपनी में उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको जो पे करना है उसका एज अ सेफ गार्ड बनता है वो ट्रस्टी पर्सन ठीक है तो और सिक्स देखिए क्या बोलता है सिक्स बोलता है इफ़ कन्वर्जन पीरियड ऑफ डिबेंचर इज एटीन मंथ और मोर अगर जो डिबेंचर का कन्वर्जन पीरियड एटीन मंथ्स है या उससे ज़्यादा है देन सच कन्वर्जन विल बी ऑप्शनल एट द हैंड्स ऑफ डिबेंचर होल्डर तो जो वो कन्वर्जन जो कन्वर्जन है जो चेंज करवाना है वो ऑप्शनल होगा किसके हाथ में होगा डिबेंचर होल्डर के हाथ में होगा कि वो करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता ठीक तो है स्टूडेंट तो यही गाइडलाइंस है सेबी की अगर कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करना चाहती है तो ये सब गाइडलाइन उनको फॉलो करनी पड़ेगी पहला है थर्टी सिक्स मंथ से ज्यादा नहीं होने चाहिए जो कन्वर्जन पीरियड है किसका फुल्ली कन्वर्टेबल शेयर का दूसरा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो आपको प्रोस्पेक्ट में दिखानी पड़ेगी कि आ, हमारे डिवेंचर की क्रेडिट रेटिंग इतनी है ठीक है थर्ड जो है वो कहता है कि जो कन्वर्जन uh, है कन्वर्जन है कन्वर्जन का पीरियड है वो प्री और जो अमाउंट है प्रीमियम का वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए और प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए फोर्थ बोलता है कि एटीन मंथ से ज़्यादा जिसका मेच्योरिटी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है और मेच्योरिटी पीरियड उसका एटीन मंथ से ज़्यादा है तो उसके लिए डिबेंचर रिडम्पन रिजर्व बनाना पड़ेगा हर एक जो कंपनीज़ को ठीक है और और फिफ्थ बोलता है कि एक ट्रस्टी होना चाहिए किस चीज के लिए अगर 18 मंथ से ज्यादा के जो इसका मेजॉरिटी पीरियड है वो डिवेंचर आप इशू कर रहे हो तो आप ट्रस्टी अपॉइंट करोगे और वो ट्रस्टी किसके अंडर सेबी के अंडर से रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो ट्रस्टी क्या करता है वो इंटरेस्ट जो है डिवेंचर होल्डर का उसका सेफ बनता है ठीक है और सिक्स बोलता है कि अगर जो डिवेंचर्स हैं कन्वर्जन पीरियड उसका 18 मंथ से ज़्यादा है तो वो डिवेंचर होल्डर के हाथ में होता है ये ऑप्शन होता है उनके पास कि वो कन्वर्ट करवाएं या ना करवाएं ठीक है तो ये कुछ गाइडलाइन थी सेबी की ठीक है स्टूडेंट्स तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज की जो वीडियो है जिसमें मैंने सेबी की गाइडलाइंस करवाई फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वो समझ में आई होगी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो समझ आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम थैंक यू स्टूडेंट्स